अस्सलामुअलैकुम जी। हम एक फार्म हाउस पे हैं रावत में, शाह फार्म हाउस, जहाँ पे अभी हम आए हुए। हम थोड़ा सा व्यू करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखें, दूध के लिए गाय है, दो गाय हैं, एक उसका बच्चा है। माशाल्लाह दूध देती हैं, वो भी हम दूध लेने के लिए आए हैं। इसके अलावा ये फल लगे हुए हैं, फल के पौधे हैं, अमरूद वगैरह, चीकू, लीमू, पालक, लहसुन, हर चीज़ लगी हुई है इधर। ये देखिए ज़रा, मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ सारा व्यू। ये देखिए, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ये पालक लगी हुई है, ये पुदीना है, आगे देखें लहसुन लगा हुआ है, लहसुन ये सारा लगाया हुआ है। आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे भी खीरे, मूलियाँ, गाजर, बैंगन ये सारे इधर लगाए हुए हैं। ये आगे लीमू लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये लीमू है, सारा लीमू लगा हुआ है इधर। माशाल्लाह काफी बड़ा फार्म हाउस है। ये मौसम भाई खड़े हैं, देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, हंसना शुरू कर दिए उन्होंने। ये देखिए, ये इनका खुराक है, गायों की तुड़ी ये मुझे कहते हैं, पैक की हुई है। ये देखिए, ये टोका इनका चारा काटने के लिए, ये इनके वो जो वंडा छिंडा होता है थोड़ी, वो है सारी कि ये वो मशीन है जिसे दूध निकालते हैं, इससे गाय का दूध इसे निकाला जाता है। ये देखिए, हाँ अगर चला के चेक हो जाए तो पता अच्छा हो जाएगा। उसी देर में हम आपको अंदर वाला हिस्सा दिखा देते हैं, जहाँ पे रात को बैल को, गाय को बांध दिया जाता है। स्टार्ट हो गई है, इससे दूध निकाला जाता है गाय का। ठीक है, हाँ हाँ पूरा हो जाता है। तो इसमें कितना आता है एक टाइम में? चल एक मन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये देखें, प्याज की पनीरी हम जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है। इसको बीज निकलेगा, फिर इसको बोएंगे तो प्याज निकलेगा। ये देखिए सारा, ये लॉन है, बैठने की जगह आगे कुर्सियाँ हैं, जहाँ पे हम बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गप शप लगाते हैं। सब आगे जानवर रखे हुए हैं, मोर, मुर्गियाँ, सारे कुत्ते वगैरह, वो भी आपको हम दिखाते हैं, 500 जानवर, कबूतर रखे हुए हैं। ये देखिए इधर भी ये मकई लगाई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी हुई है मकई। फिर आगे लहसुन है, ये सारा लहसुन लगा हुआ है। मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती है ना, देसी,
चाइनीज मोटा वाला पतले वाला ये सारा वो लगाया हुआ। ये देखें आपको तो कुछ मुर्गियाँ नजर आ गई हैं, ये शकील भाई हैं, सही शकील शाह जिनका ये फार्म हाउस है। आगे देखिए मुर्गियाँ सील बार बार निकली हुई हैं। ये देखिए सारा ये फूल है, फूल माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए सारा ये बैठने की जगह जहाँ पे बैठते हैं। ये देखिए आपको मुर्गी आवाज़ आ रही होगी, तो आगे लेके चलते हैं जहाँ पे जानवर रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखिए ये मोर है, पास जाके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए जी मोर है बड़ा, ये देखिए ये बगला उसको कह सकते हैं। ये देखिए ये चूजे हैं, अभी छोटे हैं, मिक्स हैं, सील देसी मिश्री सारे मिक्स हैं। ये मुझे सील लग रहे हैं, सील। ये देखिए मुर्ग है, ये आगे कुत्ता है, थोड़ा बांधता है लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी है। ये कुत्ता है इनका। फिर ये देखिए ये भी एक मिश्री टाइप है वैरायटी इनकी, इनसी बर्ड में आ जाता है मेरे ख्याल में ये। फिर ये देखिए आगे इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, छत के ऊपर चले गए हैं सारे। ये भी चूजे हैं, सी मुर्गी इसके चूजे हैं। ये आगे कबूतरों का पिंजरा है, यहाँ पे कबूतर है, ये कुत्ता है, कुत्ता आपको नजर आ रहा होगा, ये कुत्ता है। तो एक ही वैरायटी है, ये सील मुर्गी और मुर्ग घूम रहे हैं। ये व्यू है शाह फार्म हाउस रावत, तुम्हें देख रहे हैं सर इसको। यहाँ पे बंद है एक मुर्गी, कुड़क बैठी हुई है, उन्होंने बताया वो अंदर बैठाई हुई है। इन्होंने मुख्तलिफ वैराइटीज में अंडे हैं, कुछ सील हैं, कुछ फैंसी बर्ड हैं वो है। ये माशाल्लाह बहुत वैरायटी है फैंसी बर्ड की। यहाँ पे भी कुट बैठी हुई है मुर्गी, वो उन्होंने बैठाई हुई है अंदर। ये कुत्ता है, ये सैयद शकील शाह जिनका ये फार्म हाउस है, वो मुआयना कर रहे हैं। इनका ये मौसम भाई खड़े हैं, ये सारा व्यू है फार्म हाउस का रवात में। ये नजरागा साहब एरियन क्रेन है, ये बाहर आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोर है, पहले भी दिखाया आपको, सफ़ेद मोर है वो, दूसरा मोर है और साथ में इसके साइबेरियन क्रेन है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये देखें अंदर चला गया डर के मारे, लेकिन ये चूजे हैं, सील देसी मिश्री मिक्स वो सारे इसमें हैं। ये स्केल शाह साहब बैठ गए हैं, हम भी ज़रा बैठ जाते हैं। मौसम साहब भी लगता थक गए हैं, बैठने की कोशिश करें। मौसम साहब थक गए हैं, बैठ जाए, बैठते हैं। अच्छा क्यों, अच्छा चलो आप गलती से आ गए हैं, जो आ गए हैं पहले। ये देखिए ये सारा फार्म हाउस है, सारा शाह फार्म हाउस रावत। ये आपको ये लोग पसंद आएगा, रावत शाह फार्म हाउस।